मेरे YouTube देखने वाले सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज की जो वीडियो है ये एक विशेष मकसद से बनाई जा रही है। आज मैं यहाँ केरल के एक गांव में हूँ जिसका नाम है माइलेट्टी। ये कोस्टल एरिया का गांव है और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बारिश जो है 2600 से 3800 mm के आसपास होती है और ऐसे क्षेत्रों में हैवी रेन होने के कारण जो है ये घरेलू कार्य जो है इसमें कपड़े धोने के लिए जो है एक विशेष प्रकार का प्लेटफार्म यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है। आप जैसा कि ये पीछे देख रहे हैं कि लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है और 1 मीटर सामने से फ्रंट की हाइट है और ये जो है लेटराइट का एक स्टैंड बनाया गया है। लेटराइट की ईंटें यहाँ पे बहुत चलती है। दक्षिण भारत में जो है निर्माण में लेटराइट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसा कि ये हमारी गाँव की एक महिला जो है कपड़े धो रही है और एक महिला जो है भिगो रही है, तो आप ये देख रहे हैं कि कितना कंफर्टेबल है। इसमें क्या है कि जब हैवी रेन होती है और मानसून के सीज़न में पूरे बाड़े में पानी भर जाता है तो उस समय जो है महिलाओं को कार्य करने में दिक्कत होती है। तो दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं कि ये महिलाओं को कार्य करने के लिए और कपड़े धोने के लिए बहुत शानदार तरह का डिज़ाइन है। ये हमारे मध्य भारत के क्षेत्र में भी होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या है कि पानी निकासी का जो है धोने का पानी जो है आगे उसको ले जाके और बगीचे में छोड़ दिया जाता है। तीसरा यहाँ पे जो है स्टैंड पोस्ट का सिस्टम है। स्टैंड पोस्ट आप देख रहे हैं, ये शायद यहाँ हमारे ये ग्रामीण भाई ने ऊपर टंकी लगा रखी है तो उस टंकी से जो है पानी आ रहा है और पानी का जो है वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। लिमिटेड मात्रा में यहाँ से पानी यूज़ करके और इसे कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं और बाकी जो बचा हुआ पानी है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये केले के पेड़ लगे हुए हैं, नारियल के पेड़ लगे हुए और कुछ वेजिटेशन सब्जियां वगैरह इन लोगों ने लगा रखी है। तो इस तरह से जो है ये पानी निकासी की ड्रेनेज की व्यवस्था है। और दूसरा क्या है, महिलाएँ जो यहाँ पर कार्य करती है तो ये उनके लिए स्टैंड बना हुआ है ताकि उनको कीचड़ में खड़ा ना होना पड़े। इसमें स्टैंड पोस्ट भी आप देख रहे हैं बाकायदा शानदार बना हुआ है और उसमें जो है पोस्ट भी लगा हुआ है कंक्रीट का और नल की फिटिंग भी है और साथ में टोटी भी लगी हुई है इकोनॉमिकल पानी का यूज़ करने के लिए। तो साथियों, ये जो है सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये पाइपलाइन जो है, अभी जैसा कि देख रहे हैं जन जीवन मिशन जो है 2019 से 2024 चल रहा है तो ये संपूर्ण भारत में चल रहा है, लेकिन इसमें जो है ये जल जीवन मिशन में जो पाइपलाइनें हैं ये हम जो है कंक्रीट की पक्की सड़कों को तोड़कर और पाइपलाइनें डाल रहे हैं और बाद में जो है मूल रूप से वो सड़कें जो है रिपेयर नहीं हो पाती है और विलंब होता है जिससे ग्रामीणों को आने जाने में और अपने जो कार्य रहते हैं उसमें परेशानी होती है और दुर्घटनाएं बढ़ती है। तो आप ये इस ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हैं ये पाइपलाइनें भी जो है यहाँ पे ये घरों के पीछे से डली हुई है और मुख्य सड़क को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचाई गई। तो ये पानी का बिल्कुल सदुपयोग हो रहा है और दूसरा ये प्लेटफार्म ये एक नए मॉडल के रूप में हमारे क्षेत्रों में अगर इसको स्थापित करें तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और पानी का दुरुपयोग भी नहीं होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत। अगले विषय के साथ फिर किसी दूसरी साइट पर हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।